वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। समझ आता हूँ, मैं बहुत दिन बाद आया हूँ। बट देर से वेर कोई बात नहीं, मैं आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ सम सर्टेन थिंग्स आई वॉज नॉट अवेलेबल। बट अब मैं आ गया हूँ, रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी। ठीक है, बीच में कुछ टेक्निकल इशूज हो गए थे हमारे डिवाइस में, लेकिन अब वो सब रिजॉल्व हो चुके हैं। सो नाउ अगेन वील स्टार्ट बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट विल बी इंश्योरेंस सर्विसेज। रिवीजन में जो आपको है वो कराता रहूंगा। रिवीजन की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रिवीजन आपका होता रहेगा। ठीक है, रिवीजन वाली कोई बात नहीं है। इंश्योरेंस क्या होते हैं? ठीक है, देखो इंश्योरेंस क्या होते हैं, इंश्योरेंस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब हमको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में किसी से रिलेटेड भी, हमारी लाइफ से रिलेटेड, हमारे स्टॉक से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड अगर हमको ऐसा आशा होती है कि हमें नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान की हम रिकवरी करने के लिए हम पहले से ही इंश्योरेंस करा लेते हैं। जरूरी नहीं होता कि हम चाहते कि हमारा नुकसान हो ही हो। ठीक है, हमें डर होता है, हमें संदेह होता है कि हमारा नुकसान हो सकता है, तो उन सारी चीज़ों को हम अवॉइड करने के लिए इंश्योरेंस कराते हैं कि अगर हमें कहीं नुकसान हो भी जाता है तो हमारी फैमिली को, हमारे स्टॉक में जो हमारे मान लेते हैं स्टॉक का जो नुकसान होगा वो, या फिर अन्य किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमारी कवर हो पाए, यानी कि हमें भारी नुकसान ना झेलना पड़े। इन सारी चीज़ों से को अवॉइड करने के लिए हम क्या कराते हैं, इंश्योरेंस सर्विस कराते हैं। डिटेल में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, एक एक चीज़ें सारी चीज़ें समझेंगे, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, और ऐसा एक भी पॉइंट नहीं रहेगा जहां पे आपको चीज़ें नहीं आएंगी। इस बात की हम आपको अश्योरेंस देते हैं। ठीक है, सारी की सारी अश्योरेंस, एक वर्ड आ गया अश्योरेंस भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में, कि अश्योरेंस और इंश्योरेंस का डिफरेंस क्या होता है। सारी चीज़ें कवर करेंगे, सारे सारे पॉइंट पढ़ेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी कमर पेटी बांध के बैठ जाना है और नोट सामने देखने जो मेरे खुले हुए हैं। अगर आपने नोट्स डाउनलोड कर लो सबसे बेहतर, तो आप चाहो तो लैपटॉप पे भी वीडियो देख सकते हैं, फोन में आप नोट्स को ले रखो। नोट्स वैसे भी मैं सामने रख ही लेता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपके सामने आपके नोट्स होंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आज लाइट आ नहीं रही है। देखो बिना लाइट में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आओ आओ मेरे बच्चों, दुलारो आओ। इंश्योरेंस सर्विसेज होता क्या है, देखो यहाँ से देखो। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस क्या बेटा? एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये कह सकते हैं एक एग्रीमेंट है किसके बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड। सबसे पहले जरूरी है कि इन दो टर्म को समझें कि इंश्योरर और इंश्योर्ड में डिफरेंस क्या होता है। बेटा इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जो अपने आप को इंश्योर करवा रहा होता है, यानी कि अगर मान लो मुझे अपनी लाइफ अनसर्टेन लगती है, ये कुछ भी अपने बिजनेस में को अनसर्टेन लगता है, तो मैं इंश्योरेंस करा रहा हूँ, तो मैं कौन होऊंगा? मैं होऊंगा इंश्योर्ड। जिस कंपनी से मैंने, जिस इंडिविजुअल से, जिस फॉर्म से मैंने इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस करवाया है, वो कौन होगा? इंश्योरर। तो जो इंश्योरेंस कर रहा है वो कौन होगा? इंश्योरर। जो इंश्योरेंस करवा रहा है, ले रहा है, वो कौन होगा? इंश्योर। ठीक है, आपका धन्यवाद। यानी कि इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर और इंश्योर्ड होते हैं, जिसमें इंश्योरर यानी कि जो इसने इंश्योरेंस करा है वो एग्री करता है टू मेक गुड द लॉस, यानी कि जो भी आपका नुकसान हुआ है उसको गुड, यानी कि उसकी भरपाई करेगा कौन? करेगा इंश्योर। अगर कोई भी घटना हो जाती है, ठीक है, कोई भी घटना हो जाती है तो पे करेगा सर, वो ऐसे ही पे कर देगा। यानी कि मान लो मैंने इंश्योरेंस करवाया है, मुझे अगर नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी बस नुकसान मेरा जो वो बेयर कर देगी। बस सर, इतनी दयालु है क्या इंश्योरेंस कंपनी? बेटा दयालु आज के टाइम में कोई भी नहीं होता। आपको उस चीज के लिए पे करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर पेमेंट करना ही पड़ेगा। रेगुलर पेमेंट क्या होता है बेटा? रेगुलर पेमेंट को हम बोलते हैं प्रीमियम। सपोज मान लेते हैं कि मैंने इंश्योरेंस 10 लाख रुपीज का लिया है। 10 लाख रुपीज का सर इंश्योरेंस कैसे लेंगे बेटा? वो सारी कौन करते हैं? वो सारे बैकेंड पे काम होते हैं, वो सारे एक्चुरियल्स होते हैं जो वैल्यूएशन करते हैं कि मेरी लाइफ की वर्थ कितनी होगी या मेरे माल की वर्थ कितनी होगी, तो कितना इंश्योरेंस किया जाए। वो हमारे पॉइंट समझने का नहीं है। वो वैल्यू निकालने के बाद तय होता है कि मेरे को हर महीने या हर हाफ ईयरली या हर क्वार्टरली या हर ईयरली कितना प्रीमियम देना है। यानी कि सर इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी कह सकते हैं कि प्रीमियम ऐसा नहीं कि एनुअली हो, प्रीमियम ऐसा भी हो सकता है कि वो हाफ ईयरली हो, प्रीमियम ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वार्टरली हो, प्रीमियम ऐसा भी हो सकता है कि वो मंथली हो। हमको रेगुलर पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर नुकसान हो जाता है हमको कुछ, तो कौन पे करेगा? कोई इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। समझ गए आप? कोई दिक्कत नहीं, आओ वापस आओ। दिस एग्रीमेंट इज इन राइटिंग एंड इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। बेटा ये जो एग्रीमेंट होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये लिखित में होता है। लिखित में क्या होता है? एक बॉन्ड स्पेसिफाइड होता है जिसमें उस पर्सन का नाम होता है, जो इंश्योरर है, यानी कि उसका भी नाम होगा, इंश्योर का भी नाम होगा, एक एग्रीमेंट होगा। ये एग्रीमेंट हमेशा लिखित में होता है, ध्यान रखना, ओरल एग्रीमेंट नहीं होते हैं।
और उसी एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बड़ा सिंपल सा हो गया। इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है बेटा, इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है, एक माफी चाहूंगा पानी पीने जरा, तब तक आप देखो कि इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है। तो इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जिसमें इंश्योरर जो होता है वो एग्रीमेंट करता है कि जो भी इंश्योर्ड को लॉस होगा नुकसान होगा उसका वो कंसिडरेशन उसके लॉस को गुड करेगा। और ये जो जो एग्रीमेंट होते हैं सारे के सारे एग्रीमेंट किसमें राइटिंग में होते हैं, इसको इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। बदले में जो इंश्योर्ड होगा वो हर महीने, हर क्वार्टरली, हर ईयरली या हर हाफ ईयरली जो है वो एक प्रीमियम पे करेगा, ठीक। इसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, इसी को बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। कोई दिक्कत आओ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो इंश्योरेंस सर्विसेज के अंदर ध्यान रखने होते हैं, अगर आपने ये टर्म सीख लिए तो समझ लो आपको इंश्योरेंस का टॉपिक दिक्कत नहीं देगा। जो मैंने आपको बताया बस वही है, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है। इंश्योरर क्या होता है बेटा, इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, ये एक इंडिविजुअल भी हो सकती है, एक फर्म भी हो सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, जो एग्री करती है इंश्योर्ड के लॉस को कंपनसेट करने के लिए। तो आज के बाद इंश्योर मत भूलना, इंश्योरर कौन है, एक इंश्योरेंस कंपनी है जो एग्री करती है इंश्योर्ड के लॉस को कंपनसेट करने के लिए। सर इंश्योर्ड कौन होता है बेटा, बाबू इंश्योर्ड कौन होता है, इंश्योर्ड एक ऐसा इंडिविजुअल या फिर फर्म है जो कहता है जिसका लॉस, यानी कि खुद सोचो इंश्योर्ड, इंश्योर्ड भी है कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उसका लॉस है कंपनसेट, जिसका लॉस कंपनसेट हो रहा है वो इंश्योर्ड है। जो रेगुलर प्रीमियम पे कर रहा है वो भी इंश्योर्ड है, समझ गए। अगर समझ में आ गया तो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, आगे बढ़ते हैं भगवान का नाम लेके, भगवान झूठ ना बोलाए। थर्ड पॉइंट आता है हमारा हैपनिंग ऑफ द इवेंट, इसका मतलब ये होता है कि इट रिफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी और द काइंड्स ऑफ लॉसेस कवर्ड अंडर द पॉलिसी, फॉर एग्जांपल फायर इंश्योरेंस द लॉस इज कंपनसेटेड ओनली इफ लॉस। देखो बेटा इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पैसा तभी देगी जब इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो एग्रीमेंट हुआ है उसी एग्रीमेंट के बेसिस पे, जो एग्रीमेंट आपका मतलब हुआ है ना इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, अगर वो घटना घट गई तभी होगा। मान लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस था, किसी की मृत्यु हो गई तब मिलेगा। फायर इंश्योरेंस था, आग लग गई तब मिलेगा। मरीन इंश्योरेंस था, माल डूब गया तभी मिलेगा। यानी कि घटना जैसी हैपनिंग ऑफ इवेंट हो जाएगी आपको पैसा मिल जाएगा, कंपनसेशन हो जाएगा। यानी कि इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए घटना घटना बहुत जरूरी है, समझ गए आप, ठीक है। कोई भी सिचुएशन इवेंट होना बहुत जरूरी है। और थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, ये वो अमाउंट है जो आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली या एनुअली भी पे कर सकते हैं फॉर गेटिंग कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ द लॉस, ठीक है। आपको लॉस का कंपनसेशन तभी मिलेगा जब आपके पेमेंट जो होंगे वो रेगुलर होंगे, प्रीमियम आपकी रेगुलर होंगी। तो आपको इंश्योरेंस सर्विसेज अगर आपको सीखनी है तो आपके चार टर्म्स बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला है इंश्योरर, दूसरा है इंश्योर्ड, तीसरा है हैपनिंग ऑफ द इवेंट, यानी क्या है, घटना घटना बहुत जरूरी है, समझिए। कट्टे से गोली निकलना जरूरी है तभी तो फायर होगा, वरना कैसे होगा, आप ऐसे बंदूक लहराते रहो कुछ नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट आता है प्रीमियम, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कंपनसेशन ऑफ लॉस मिले तो क्या है, आपको प्रीमियम रेगुलर पे करना जरूरी है। आई होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर थम्सअप कर दीजिए, अगर आपको आपको सबको समझ में आ रहा है यहां तक, तो थम्सअप कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये बात मैं आपको हमेशा कहता रहूँ कि यही एक ऐसी चीज है जो हम आपसे रिटर्न में मांगते हैं और नाम के अलावा कुछ नहीं मांगते, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं। सबसे बेटा सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये क्या है सर, ये बताओ। सबसे पहले अगर आप नोट्स पढ़ लेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि नोट बड़े क्रिस्टल क्लियर है। फिर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि क्या है हमारा एग्जांपल, इसका इसका एनालिसिस हम करेंगे अभी ध्यान से। बेटा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है कि यहाँ पे इंश्योर्ड है, इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स टू ईच अदर। भाई कुछ छुपाना नहीं है, चोरी नहीं करनी है। अगर आपको कुछ दिक्कत है आपको वो बतानी है इंश्योरर को कि भाई मेरी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है या मेरा माल ऑलरेडी खराब है इंश्योरेंस करने से पहले, सर ऐसा क्यों करना पड़ेगा। आओ देखें, दोनों ही पार्टियों को आपस से छुपन छुपाई नहीं खेलनी है, हाइड एंड सीक नहीं खेलना, सब कुछ डिस्क्लोज कर दो इंश्योरेंस पॉलिसी में, तभी तो वो सब चीजें लिखी जाएंगी। अगर इंश्योर्ड ने कोई चीज छुपाई, कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट छुपाया इंश्योरेंस कंपनी से, तो बाद में इंश्योरर जो, अगर इंश्योरर को पता चलेगा उस बारे में, तो इंश्योरर जो है वो कंपनसेट करने से बिल्कुल मना कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल मना कर सकता है, ठीक है। यानी कि आपकी एक गलती, आपकी एक छुपन छुपाई खेलने से क्या हो सकता है, आपका जो नुकसान है
वो आपको रिकवर नहीं होगा और आपका सारा का सारा प्रीमियम क्या हो जाएगा, लॉस, लेकिन प्रीमियम हो जाएगा, समझ गए। और ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपने कोई भी चीज छुपाई तो वो क्या हो जाएगा, वो इंश्योरर और इंश्योर दोनों के लिए एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंपनसेशन नहीं होगा, वो नल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया है। तो फिर से देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब ये होता है कि इंश्योरर और इंश्योर जो भी मटेरियल फैक्ट्स है वो सारे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे उन लोग को। सर इंश्योर को, इंश्योरर को कौन सा करना पड़ेगा, इंश्योर को बताना पड़ेगा सारे फैक्ट्स कि वो कंपनी कितना जो है पैसा देगी जब आपको लॉस हो जाएगा, कितने मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा आपको, कितना आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, दैट शुड एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज इन द कॉन्ट्रैक्ट। सर इंश्योर को क्या डिस्क्लोज करना है, इंश्योर को डिस्क्लोज करना है कि क्या उसको हेल्थ इश्यूज हैं, अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है उसके लाइफ से रिलेटेड क्या इश्यूज होने वाले हैं आगे चल के, उसको ऐसा लगता है कि हेल्थ इश्यूज क्या है जो इम्पैक्ट डालने वाले हैं उसको लाइफ में, अगर लाइफ इंश्योरेंस है। अगर उसने अपना कोई स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया है तो उसको ऐसा लगता है कि अगर मेरा माल खराब हो जाएगा या कोई तकलीफ है मेरे माल में, वो भी बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो क्या हो जाएगा, वो वहां पे अगर बाद में इंश्योरर को पता चलता है तो इंश्योरर जो हो सकता है वो आपको कंपनसेशन करने से मना कर सकता है, क्योंकि क्योंकि वो उसके पार्ट पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। सर इसका एग्जाम्पल दे दो, इसका एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है, आपको हाउस प्रॉपर्टी एनालिसिस करवाते हैं। और यहाँ पे बेटा एनालिसिस कर लो, फर्स्ट वाले पार्ट, फर्स्ट पार्ट पे एनालिसिस कर लो। हम पहला जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं। सर इसका मतलब क्या है बेटा, पहला एनालिसिस बड़ा सिंपल सा है, इसका मतलब ये सपोज, देखो इसका मतलब ये सपोज मान लेते हैं, ये कौन है, ये जिसके बड़े सुंदर है, बड़ा सुंदर है, ये कौन है, ये मान लेते हैं ये है आशीष, आशीष ठीक है, ये कौन है, ये है हमारी LIC कंपनी है, ठीक है, LIC कंपनी है, या मान लो आप आदित्य बिरला ग्रुप, बहुत सारी कंपनी आजकल मार्केट में है जो आदित्य बिरला कैपिटल, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपस में, आपस में आजकल जो है वो इंश्योरेंस कर रही है। सपोज मान लेते हैं कि ये दोनों, इन दोनों का आपस में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट उसने क्या करा, एक लाइफ, एक हेल्थ, एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस जो लिया है इसने 20 लाख का टॉपअप प्लान लिया है, ठीक है, लेकिन इसने ये बताया ही नहीं कि इसको पहले से क्या है, इसको हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज क्या है इसको, इसको 2-3 जो है वो हार्ट अटैक पहले से पड़ चुके हैं, 2 नहीं 3 में तो आदमी क्या है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो मान लेते 1 से 2 उसको जो हार्ट अटैक है वो पड़ चुके हैं, 1 से 2 हार्ट अटैक, ये बात इसने छुपा ली है इससे, ये बात जो है इसने छुपा ली है इससे, यानी कि उसने उससे बात छुपाई। अब मान लेते हैं कि उसने कॉन्ट्रैक्ट करा, उसने कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट हो गया, उसने 2-4 जो है प्रीमियम पे कर दिए, और जो क्या है तीसरा हार्ट अटैक आ गया, तीसरा हार्ट अटैक आ गया, अभी जाके सीधे के सीधे जाके भर्ती हो गए अपोलो में, जहां इनका खर्चा कितना आ रहा है, इनका खर्चा आ रहा है 18 लाख। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे LIC जो कंपनी वो पे करेगी, LIC कंपनी बिल्कुल भी पे नहीं करेगी, जब उसको बाद में पता चलेगा कि भाई साहब तुमको तो पहले से जो है 2 अटैक आ चुके हैं, तीसरा अटैक का तुम वे कर रहे हो, तुम्हें दोनों पहले से कवर में थे, तुमने हमको बताया ही नहीं, क्यों छुपाया तुमने हमसे, अगर तुमने हमसे छुपाया नहीं तो हमें पता होता कि तुम्हारे 1 से 2 अटैक या तो इंश्योरेंस करते ही नहीं, या अगर इंश्योरेंस करते तो तुम्हारी जो प्रीमियम रखते वो और ज्यादा हाई रखते, क्योंकि तुमको पता है तुम किसी भी टाइम टपक सकते हो, समझ गए आप। जी हाँ ऐसा होता है, जितने आप देखिए 50+ से जितने भी इंश्योरेंस होते हैं उनके प्रीमियम जो होते हैं वो एवरेज प्रीमियम तो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि कंपनी को पता है कि ये क्या है किसी दिन भी लड़ सकता है, आज से 8-10 साल के अंदर, तो वो क्या है अपना प्रीमियम जो है वो ज्यादा चार्ज करती है ताकि उनको भी हाई लॉस ना हो, समझ गया। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा, ऐसे केसेस के अंदर प्रीमियम नहीं पे करेगा कंपनी, जो है वो मुकर सकती है कंपनी, जो है वो डिनाई कर सकती है कंपनसेशन पे करने से, क्योंकि कंपनी के हाथों में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो गया, और वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल होते हैं उसमें कोई भी कंपनसेशन नहीं पे करेगी कंपनी, कोई भी कंपनसेशन नहीं पे करेगी, एंड लीगली भी ये रॉन्ग है, ठीक है, लीगली भी ये रॉन्ग है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये साइड वाला नहीं दिखा होगा, साइड वाला जो मैं आपको बता दूं, साइड वाला आपको नहीं दिखा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये यहाँ पे थी ना, ये LIC थी बेटा, यहाँ पे जो थी वो LIC कंपनी थी, मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या, यहाँ पे LIC है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, बस मैंने वहाँ पे LIC और आदित्य बिरला कैपिटल लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली में स्क्रीन में कि आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी माफी चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है। आओ अपना चलते सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट की अगर बात करूँ, तुम्हारा सेकंड पॉइंट क्या आता है, हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल है, सेकंड प्रिंसिपल बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आइए इसकी भी पहले थ्योरी समझते हैं, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये कहता है कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत अच्छी बात है,
विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए गैम्बल एंड फ्रॉडलेंट एक्टिविटी एंड लॉ डज नॉट परमिट इट. इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट कम्स विद द रिलेशन ऑफ इंश्योर्ड विद पर्सन टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी. इसका सिंपल सा मतलब यह है कि ऐसा एक ऐसा इंसान जो इंश्योरेंस ले रहा है उसका डायरेक्ट जो इंटरेस्ट है वो उसके अंदर होना चाहिए. जो भी सिंपल सा मतलब समझते हैं एक बार, यानी कि जो भी पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है उसका डायरेक्ट उसका इंटरेस्ट होना चाहिए. सपोज मान लेते हैं कि मैं अपनी फैमिली का किसी में मान लो अपने पापा या अपनी मम्मी का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, तो आई हैव पर्सनल इंटरेस्ट इन इट. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अपने पड़ोसी का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, दैट इज फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, उसको फ्रॉडलेंट एक्टिविटी माना जाएगा. ठीक है, मान लेते कि मैं अपने माल का अगर अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, दैट इज उसमें मेरा इंटरेस्ट है. मैं अपने फ्रेंड का अगर माल का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, ठीक है, उसके स्टॉक का इंश्योरेंस करा रहा हूँ, दैट इज रॉन्ग. मेरा माल जो है मेरा माल आ रहा है शिप से, ठीक है, मेरी से आ रहा है, तो मैं मेरी इंश्योरेंस ले रहा हूँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए. मान लो मैं किसी और के अगर माल में जो है किसी और का मतलब गुड्स जो आ रहा है वो मरीन से आ रहा है, मैं उसका अगर इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, दैट इज अगेन रॉन्ग. ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए जो भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, अदरवाइज दैट इंश्योरेंस पॉलिसी विल बी अ काइंड ऑफ गैम्बल एंड फ्रॉडलेंट एक्टिविटी. ठीक है, और एक बार इसको भी समझ लेते कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, आई होप सो आपको स्क्रीन विजिबल है ना, स्क्रीन विजिबल है, दिक्कत हो जाए. हाँ, मेरे को देखना कि मेरे पास जीरिया कितना से. ठीक है, एग्जाम्पल सब देखो, इसका एग्जाम्पल सिंपल सा मतलब ये है कि मान लेते हैं ये हमारी दूसरी वाली का है, मान लेते हैं ये है फ्रेडी फ्रेडी फ्रेडी. ठीक है, ये है एल आई सी. मान लेते हैं फ्रेडी को इंश्योरेंस अपने मान लेते हैं स्पाउस का कराना है, अपनी बीवी बच्चों का कराना है, चिल्ड्रंस का कराना है. ठीक, तो एल आई सी ने मान लो इंश्योरेंस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए. ठीक है, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अगर मान लेते हैं फ्रेडी जो है वो अपने बीवी बच्चों का इंश्योरेंस ना करवा के किसी स्ट्रेंजर का मान लेते हैं अपने फ्रेंड जो उसका फ्रेंड है जॉन, उसका इंश्योरेंस इसने अगर करा दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अगेन क्या है, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है. क्यों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फ्रेडी है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है. ठीक, समझ गए आप. इसके अलावा एक एग्जांपल और जो है मैं कभी बार ले लिया जाता, मैं आपको बोल के बता देता हूँ एग्जांपल क्या है. एग्जांपल ये है कि सपोज मान लेते हैं कि एक पर्सन और उसने क्या करा है, एक फैक्ट्री रेंट पे ली है और उस फैक्ट्री रेंट पे ली है उसने. ठीक है, फैक्ट्री रेंट लेने के बाद अगर उसने फैक्ट्री पे इंश्योरेंस करा दिया तो वो अवॉइडेबल नहीं होगा. क्यों अवॉइडेबल नहीं होगा, क्योंकि अब वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, रेंट पे जो उसने फैक्ट्री ली है उस पर वो काम कर रहा है, वो फैक्ट्री उसकी जिम्मेवारी है, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ माना जाएगा. ठीक है, आपको क्या है, बेवकूफ थोड़ा बना सकता है टीचर ने ऐसे क्वेश्चन बना के कि मान लेते हैं कि फ्रेडी ने क्या करा, एक राइस मिल को क्या करा, रेंट पे लिया. राइस मिल को रेंट पे लेने के बाद अब उसने जो है उस फैक्ट्री का मान लेते हैं उसने उस मिल का इंश्योरेंस करा लिया, बताओ क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. तो आपको बोला जी हाँ सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अब जैसे उसने फैक्ट्री को रेंट पे ले लिया तो अब वो जिम्मेदारी उसकी हो गई है, तो अगर वो जिम्मेदारी उसकी है तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट डायरेक्टली आ जाएगा, एंड दैट विल बी कम्प्लीटली अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट विल नॉट बी अ गैम्बल एंड अ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी. आई होप सो आपको सारी बातें क्लियर हो रही है, हम सारी की बेसिक्स आपको सारी की सारी बात समझा रहे हैं. मुझे पता है कि इंश्योरेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके लिए थोड़े बहुत नए हो सकते हैं, कुछ लोगों ने घर में सुने भी होंगे, कुछ लोग अगर बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे अपने फादर मदर के साथ तो उन लोगों ने भी सुने होंगे. मैं क्योंकि मुझे तो सबको लेकर चलना है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, एंड थोड़ा तो समय आपको बताना ही पड़ेगा इन सारी चीज़ों के. बड़ी बड़ी कॉमन कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल भी लेके समझा रहा हूँ, ताकि आपको सारी बातें जो है वो क्लियर होते रहे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को यहाँ पे. थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता हमारा प्रिंसिपल इंडेमनिटी. बेटा सबसे पहले आप इंडेमनिटी का फॉर्म कहते हैं इंडेमनिफाई. इंडेमनिफाई का मतलब सिंपल सा ये होता है कि किसी को भी अगर लॉस हुआ है तो उसकी लॉस की भरपाई करने को क्या बोलते हैं, इंडेमनिफाई. मान लेते हैं कि किसी को लॉस हो गया, एयर इंश्योरेंस कंपनी जब उसको कंपनसेट कर रही है, इट इज नोन एज इंडेमनिफिकेशन, और यू कैन से इंडेमनिफाई. तो इसमें पहले आओ देख लेते हैं कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. भाई सबसे पहले तो आप ये देख लो कि हाँ, ये वन वर्ड में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि इज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. नहीं, इंश्योरेंस जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, उसका पर्पज कुछ और होता है. उसका पर्पज होता क्या, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पज ये होता है कि इंश्योर्ड जिसको नुकसान हो गया है, जिसके कमर की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उसको क्या करना, उसको वापस उठा के उसको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जैसे पहले थी वैसी फाइनेंशियल पोजीशन तो वापस से ले आना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंडेमनिफिकेशन. तो
पहला आपको जो एमसीक्यूआर से मिल सकता है या पहला आपको वन वर्ड मिल सकता है कि बताओ कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या वो प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आंसर आना चाहिए नो। पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि जो इंश्योर्ड होता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जैसे पहले थी वैसे लॉस होने के बाद जब आपको कर देता है इंश्योरेंस कंपनी, इसी को बोलते हैं इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई का मतलब क्या है, आप एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल में क्या आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल सपोज एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज मान लेते हैं ये कौन है, ये है ब्रजेश जी, बड़े भोले भाले सीधे से हैं, इन्होंने एल आई सी से इंश्योरेंस करा, सपोज मान लेते हैं 2 लाख रुपए का इन्होंने अपना क्या कराया, 2 लाख रुपए इन्होंने फैक्ट्री में इंश्योरेंस करवाया है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा। मान लेते हैं फैक्ट्री में अगर लग गई आग और उस आग से हुआ 1 लाख का नुकसान, तो ये सवाल मैं आपको छोड़ता हूँ, मुझे आप बताओ कि एल आई सी कितना कंपनसेट करेगी, बताओ क्या 2 लाख कंपनसेट करेगी, बताओ 2 लाख का, 2 लाख की जो है उसने इंश्योरेंस करवाया था लेकिन नुकसान 1 लाख का हुआ है, आप मुझे आप बताओ कि फैक्ट्री कितना कंपनसेट करना चाहिए। द आंसर इज फैक्ट्री जो कंपनसेट करेगी दैट इज ओनली 1 लाख रुपीज। सर ऐसा क्यों? अरे मुझे एक बात बताओ ना, नुकसान अगर उसने जो कराया है वो एल आई सी 2 लाख रुपए की कराई है, मतलब इंश्योरेंस 2 लाख का करवाया है, 1 लाख का नुकसान हुआ है, अगर मान लेते हैं 2 लाख रुपए उसको पे कर देगी तो भाई उसको तो प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि फिर तो सब यही करेंगे, 5 लाख का आप इंश्योरेंस कराया करेंगे, 2 लाख का खुद नुकसान कर लिया करेंगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख रुपए ले लिया करेंगे, फिर तो सब प्रॉफिट ही कमाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी क्या बंद हो जाएगी 2 दिन के अंदर, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी का काम ये होता है कि इंश्योर्ड को जो नुकसान हुआ है उतना कंपनसेट करना और उसको वापस से उस स्थिति में ले आना जैसे वो पहली स्थिति में था नुकसान से पहले, इसी को यही बोलते हैं। बेटा एक बात ध्यान रख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट है ना, इंडेमनीफाई वाला ये हमारा एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस केस में नहीं लगता। सर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप किसी की भी डेथ की जो है वो वैल्यू नहीं निकाल सकते, किसी की भी डेथ की, किसी इंसान की आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, उससे डेथ की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इंसान की कीमत जो है वो हर चीजों से ऊपर है, इंसान की कीमत सारी वैल्यूएशन के ऊपर है, कोई भी वैल्यूएशन किसी भी इंसान का वैल्यूएशन नहीं कर सकती, इसलिए इंडेमनीफाई वाला जो पॉइंट है वो नहीं लगता। मान लेते हैं किसी ने अपना डेथ वाला इंश्योरेंस करवाया था 20 लाख रुपए का, तो उसके मरने के बाद बेटा पूरे 20 लाख रुपए मिलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, ये नहीं ये जो बाद में ये लेटा हुआ है आदमी इसकी कीमत जो है 10 लाख रुपए, बेटा ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी की भी डेथ की जो है वैल्यूएशन किसी भी इंसान की वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इंडेमनी वाला पॉइंट सिर्फ इन चीजों पर लगेगा, फायर वे मेरीन वे फैक्ट्री इंश्योर सारी इन चीजों पर लगेगा, ना कि वो किसी इंसान पर लगेगा, ठीक है। और समझ लो 2 लाख का इंश्योरेंस करवाया, 1 लाख का नुकसान हुआ, तो एलआईसी 1 लाख रुपए ही देगी, समझ गए, 2 लाख नहीं देगी, प्रॉफिट नहीं देगी, प्रॉफिट कमाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वरना सब यही करते रहेंगे, समझ गए। आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर है, मैं इसलिए आपको सारे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर सारी चीजें। आओ आगे बढ़े फटाफट से, आओ अब जो हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है, फोर्थ वाले पॉइंट के अंदर बोलता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहता है कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से इफ अ पर्सन हैज टेकन मोर देन वन इंश्योरेंस, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर, यानी कि उसने एक ही सब्जेक्ट मैटर पे कई सारे इंश्योरेंस ले रखे हैं, वाले उसने फायर इंश्योरेंस ही 2-3 अलग अलग कंपनी से ले रखे हैं, HDFC से भी ले रखा है, LIC से भी ले रखा है, साथ में उसने आदित्य बिरला से भी ले रखा है, तो जिसमें जितने भी इंश्योरर होंगे यानी कि LIC आदित्य बिरला HDFC जो होंगे वो सभी के सभी कंट्रीब्यूट करेंगे जितना भी लॉस उसको हुआ है, यानी कि सभी के सभी जो है वो कंपनसेट करेंगे जितना भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस हुआ है, जितना भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस हुआ है। एक इंसान अगर मान लेते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा अगर इंश्योरेंस ले रखे हैं सेम सब्जेक्ट मैटर पे, इस पॉइंट का मतलब बता रहा हूँ कि अगर एक पर्सन ने एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए तो 2 या 2 से ज्यादा इंश्योरेंस अगर ले रखे हैं तो जितने भी इंश्योरर होंगे यानी जितनी भी कंपनी ने इंश्योरेंस करा है वो आपस में मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे जो भी नुकसान हुआ है उस इंश्योर्ड को, इसका मुझे बताने का मतलब है। सेपरेटली जो हर कंपनी है वो ऐसा नहीं कि टोटल लॉस मान लेते हैं कि अगर इंसान को 1 लाख का लॉस हो गया 3 कंपनी हो, तीनों कंपनी ऐसा नहीं करेंगी 1 लाख वो दे रही है 1 लाख वो दे रही है 1 लाख वो दे रही है, अगेन इट विल बी अ काइंड ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, और ये पर्पस है ही नहीं इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस कंपनी का पर्पस सिर्फ इतना सा है, इंश्योरेंस जो सर्विसेज का पर्पस इतना सा है कि इंश्योर्ड को जो नुकसान हो गया है उसको नुकसान में कंपनसेट करना, ना कि उस कंपनसेशन से ज्यादा पे कर देना। आप मुझे खुद बताओ, मैं हूँ, मैंने HDFC से LIC से और अगर मान लेते हैं आदित्य बिरला कैपिटल से इंश्योरेंस करवा रखा है, मान लेते हैं 1 लाख रुपीज का मुझे कुछ मान लेते हैं कि कुछ घाटा होता है, तो क्या मैं तीनों कंपनी से 1 लाख रुपए ले लूंगा? आप मुझे बात बताओ, लेकिन नुकसान तो 1 लाख हुआ और मुझे मिला कहते हैं 3 लाख रुपए का, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो सर इस केस में होगा क्या, इस केस में हर कंपनी का जितना भी इंश्योरेंस बनता है प्रपोर्शनेट, वो प्रपोर्शनेट जो है वो इंश्योरेंस कंपनसेट कर देंगे। मुझे लगता है, उम्मीद है आपको ऐसा समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, हम आपको समझाने के लिए ही बैठे हैं मेरे बच्चे,
तो भगवान का नाम लेके पॉइंट शुरू करूंगा, राधे राधे भगवान का नाम लेके हम ये पॉइंट शुरू करते हैं। तो आइए फटाफट से जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपकी जो है बुक का ही एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लेते हैं मैं आपको लिख देता हूँ, उसके बाद आपको मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो लिख लो मेरे साथ साथ, अगर लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ वाले पॉइंट सपोज मान लेते हैं कि ये कौन है, ये हमारा राघव, ये राघव है ठीक है, ये LIC है ठीक है, इन लोगों का आपस में क्या है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सपोज मान लेते हैं कि इसने क्या करा, इसने एक फायर इंश्योरेंस लिया है। कितने का लिया है, मान लेते हैं फायर इंश्योरेंस इसने लिया है 1,00,000 रुपये का। इससे लिया है ए कंपनी से, ये ए कंपनी यानी कि LIC है ठीक है। और उसने साथ ही साथ से एक और फायर इंश्योरेंस यानी कि सेम सब्जेक्ट मैटर पे यानी कि 50,000 रुपीज़ का एक इंश्योरेंस और करवा लिया बी से। पूरा मैंने थ्योरी का आपको एग्जाम्पल दे दिया है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, सेम है फायर इंश्योरेंस, लेकिन दो से अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस करवाया है। एक कंपनी ए वाली कंपनी से कराया है 1,00,000 रुपये और बी वाली कंपनी से करवाया है 50,000 रुपये। सपोज मान लेते हैं कि नुकसान जो हो गया, नुकसान होगा कितना, नुकसान हो गया हमारा 75,000 रुपये का, मान लेते हैं नुकसान हो गया। अब मुझे आप बताओ कि कंपनी जो है वो कितना कितना पे करेगी, मतलब किसने प्रोपोर्शनेट निकालोगे, प्रोपोर्शनेट कैसे निकालोगे। सपोज मान लेते हैं मैं ए का कंपनसेशन निकाल लूं, प्रोपोर्शनेट कैसे निकालेंगे, आओ देखो प्रोपोर्शनेट कैसे निकालेंगे। सपोज मान लेते हैं मैं ए का कंपनसेशन निकालो, ए कैसे निकालेगी, देखो ए से कितना करवाया उसने इंश्योरेंस 1,00,000 रुपये का, टोटल कितना इंश्योरेंस हुआ 1,50,000 रुपये का, नुकसान कितने का हुआ 75,000 रुपये, कितना बना 50,000 रुपये, यानी कि ए कितना देगा 50, प्रोपोर्शनेट बोलते हैं इसको। बी टोटल इंश्योरेंस कितना कराया बी से 50,000 रुपये, दोनों कंपनी से कितना इंश्योरेंस करवाया 1,50,000 रुपये का, नुकसान कितने का हुआ है 75,000 रुपये का, कितना हुआ 25,000 रुपये। देखो यानी कि ए का नुकसान भी कवर करवा दिया 75,000 रुपये और ए और बी ने आपस में प्रोपोर्शनेट दे दिया। यहाँ पे कहीं पर भी ए ने पूरा 1,00,000 रुपये नहीं दिया और बी ने 50,000 रुपये नहीं दिया ठीक है। आई होप सो आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है। प्रेम से बोलेंगे हम राधे राधे बस ठीक है। यही पॉइंट समझाना था आपको अच्छे तरीके से। इसी पॉइंट का मुझे डर था कि आप शायद ना समझ पाए, लेकिन आप लोग बड़े ही इंटेलिजेंट और बड़े ही समझदार किस्म के बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बेहद अच्छे तरीके से पहला पॉइंट सीख लिया ठीक है। अगर आपको निश्चित रूप से अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया करके लाइक बटन जरूर दबाना और हमको मोटिवेट करना कि सर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम हमारे यहाँ से होकर हमारे सारे के सारे खून में समा जा रहे हैं। यानी कि ऐसा करिए सर इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, इंश्योरेंस का जो हमारा टॉपिक था वो खून में आ गया जब आपने ये कह दिया, समझ लो ये हम आपको समझ गए। एक पॉइंट बेटा और समझ लो, एक पॉइंट समझाने की मुझे ये एक वर्ड बात मुझे और बताने की थी यहाँ पे आपको समझानी थी। देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन वाला, ये हमारा बेटा लाइफ इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। बेटा अगर खुद सोचो यार, किसी इंसान ने 2-3 कंपनियों से इंश्योरेंस करवा रखे थे, लाइफ इंश्योरेंस ले रखे थे 50,000 रुपये, उसकी अगर डेथ हो गई तो क्या प्रोपोर्शनेट क्या वैल्यू निकालोगे आप उसकी डेथ की। जब डेथ की आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तो प्रोपोर्शनेट करोगे क्या, आप मुझे एक बात बताओ। यानी कि अगर आपके पास ये जो नुकसान हुआ ना, ये वाली वैल्यू नहीं, कैसे किसी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप किसी भी ह्यूमन बीइंग की आप वैल्यू नहीं लगा सकते, डेथ की उसकी बॉडी की वैल्यू नहीं लगा सकते, आप डेड बॉडी की वैल्यू नहीं लगा सकते। तो आपको जब लॉस की वैल्यू नहीं होगी देन हाउ यू डू प्रोपोर्शनेट, तो इसलिए सारा का सारा अमाउंट उनको पे करना ही पड़ेगा जितना भी उसने इंश्योरेंस करवाया है। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, आइए फटाफट से बार पढ़ते हैं। इस प्रिंसिपल के हिसाब से कंपनसेशन पे करने के बाद इंश्योरर को जो है, इंश्योर क्या करता है, अब इंश्योरेंस किसके साइड में हो जाता है, किसके यानी कि जो पहले इंश्योर्ड था, जैसे मैंने मान लेते हैं दो पार्टी ए और बी, बी को अगर नुकसान हुआ ए ने कंपनसेट कर दिया, तो अब ए किसके जूते में पैर रख गया है, बी के, क्योंकि अब नुकसान बी का है, बी को नुकसान हुआ है ठीक है, समझ गया ना। When the insured is compensated for the loss or damage the property insured by him or her, the right of ownership of such property passes on to the insurer. इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है एंड आप समझ जाएंगे ठीक है। सबरोगेशन का मतलब क्या है, सबरोगेशन का मतलब ये है कि सपोज मान लेते हैं कि मेरे को कोई नुकसान हुआ, LIC ने उसको पे कर दिया, तो नाउ आई एम फुल्ली कंपनसेटेड, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ अगर मेरे को LIC ने पे कर दिया। लेकिन आप LIC के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अब LIC मेरे जूते पर पैर रख चुकी है, यानी कि LIC को नुकसान हो चुका है मेरे को पैसे देने के बाद। तो मान लेते हैं अगर मैंने मान लेते फायर इंश्योरेंस कराया था, मान लेते मेरा माल जो है कुछ नुकसान हो गया, जल गया, वो मुझे तो इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, तो अब जो LIC है, LIC की उस मकान उस जो गुड्स है उसके मालिक हो जाएगी LIC, अब उस गुड्स का मालिक हो जाएगी। उस जले कटे माल को अगर बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा वो इंश्योर्ड को नहीं दिया जाएगा भाई, अब इंश्योर्ड कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, उसका पैसा कौन रखेगा,
LIC कंपनी ही रखेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब लोकेशन। समझ गए आप? क्लियर? या कोई एग्जांपल दें? चलो आप एग्जांपल ही ले लो यार। हमारा जो है फिफ्थ वाला पॉइंट है, सपोज मान लेते हैं ये कौन है, ये है हमारे कौन है, ये है सुरेश, ये LIC से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी फैक्ट्री में जो गुड्स रखा है, फैक्ट्री में जो गुड्स था उसका इंश्योरेंस करवाया 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 रुपए का पूरा माल जो है वो जल गया, LIC ने कंपनसेट कर दिया, नो डाउट LIC ने कंपनसेट कर दिया। सुरेश तो वापस अपनी सिचुएशन में आ गया जो पहले सिचुएशन थी, हमको कोई नुकसान नहीं, लेकिन LIC को नुकसान है। तो जो जला कटा माल, माल जला कटा माल, मान लेते 10,000 का बिका, 10,000 बिका जो पैसे आए, अब ये सुरेश को ही दी जाएंगे भाई, ये किसको जाएंगे, LIC को हो जाएंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। आई होप सो आपको सारी की सारी बातें क्लियर है। क्लियर है आपको सारी बातें? चले आगे। सिक्स वाला हमारा पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा। इसका इस प्रिंसिपल के हिसाब से द कॉज और द रीजन ऑफ द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इफ द लॉस इज ड्यू टू सम अदर कॉज देन द इंश्योरर कैन डिनाई टू पे द कंपनी। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे आपने इंश्योरेंस करवाया है उसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड अगर कोई नुकसान हुआ तभी वो कंपनसेट करा जाएगा, अन्यथा वो कंपनसेट नहीं करा जाएगा। आप समझ गए सर? इसका एग्जाम्पल दो सर, इसका एग्जाम्पल क्या, इसका एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है, इसका एग्जाम्पल बड़ा सिंपल। सपोज मान लेते हैं कि एक राम है, राम ने क्या करा, मरीन इंश्योरेंस करवाया, यानी कि माल जो है, माल क्या है, माल डूबने का इंश्योरेंस कराया, अगर माल डूब जाएगा तो मुझे को इंश्योरेंस चाहिए। लेकिन मान लेते हैं कि माल डूबा तो नहीं, उस शिप के अंदर बहुत सारे चूहे थे, उन चूहों ने क्या करा, सारा का सारा माल खा लिया, कह सकते हैं कि सारा का सारा माल उतर दिया, बेकार कर दिया। मतलब आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कंपनी जो है पैसे पे करेगी, नहीं पे करेगी, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस जो हुआ था सब्जेक्ट मैटर क्या था कि माल अगर डूबेगा तब दिया जाएगा, लेकिन माल डूबा तो नहीं, माल खा लिया गया, यानी कि माल को बर्बाद कर दिया चूहों ने, तो ऐसे केस के अंदर आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं कॉजा प्रॉक्सिमा, ठीक है, कॉजा प्रॉक्सिमा बोलते हैं इसको। सेवन्थ पॉइंट जो हमारा आता है, सेवन्थ पॉइंट बोलता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस। ये प्रिंसिपल कहता है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इन द सेम वे एज यू वुड हैव टेक केयर विदाउट टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। द इंश्योर्ड शुड नॉट बिकम केयरलेस ऑफ हिज प्रॉपर्टी आफ्टर टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू मेक अ रीजनेबल एफर्ट एंड टेक ऑल द अवेलेबल प्रिकॉशंस टू इंश्योर द प्रॉपर्टी। सपोज मान लेते हैं जो इंश्योर्ड है, यानी कि इंश्योर्ड है, अभी मान लेते हैं कि वो नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल बंदे ने मान लेते हैं कि अभी इंश्योरेंस नहीं करवाया, वो अपने माल की उसकी बड़ी सेफ्टी करता है, उसकी बड़ी सेफ्टी करता है कि बारिश में भीग ना जाए, ठीक है, या कुछ ऐसा गुड्स है, कंज्यूमेबल गुड्स है, तो उसमें कुछ हवा ना लग जाए, वो खराब ना हो जाए, चूहे ना काट जाए उसको, कुछ और ना हो जाए, बड़ी ध्यान रखता है। मान लेते उसने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा ली, तो क्या अब तो वो खुला घूम रहा है, उसे पता कोई भी नुकसान हो जाएगा तो वो कंपनी पे करेगी ही। तो यही बोलते हैं क्या, आपको लॉस को मिटिगेट करने की हर एक मुमकिन कोशिश करनी है, यानी कि ऐसा नहीं कि अब आपने इंश्योरेंस करा लिया तो आप चौड़े में घूमोगे, अगर नुकसान हो भी जाएगा तो कंपनी पे कर देगी, ऐसा नहीं करना है आपने। आपको उतनी ही केयर फिर से करनी है अपने गुड्स की जैसे आप पहले किया करते थे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हर वो एक मुमकिन कोशिश करनी है कि आपका माल खराब ना हो जाए, भले ही आपने इंश्योरेंस दे रखा है, आपको सारी कोशिश, तमाम कोशिश करनी है। ये ड्यूटी है उस इंश्योर्ड की इंश्योरेंस कराने के बाद कि आप जो है वो अपने प्रॉपर्टी की, अपने गुड्स की सेफ्टी करेंगे। आप ऐसे नहीं, आप केयरलेस नहीं करेंगे, आप ऐसे नहीं होने चाहिए आप इतने केयरलेस हो गए कि आपने गुड्स बर्बाद हो गया, तो ऐसे केस के अंदर भी क्या है, कंपनी जो है इंश्योरेंस क्लेम देने से मना कर सकती है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है। हमने आपके जो पॉइंट थे वो साथ के साथ पॉइंट कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वरना आप मेरे फोन नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर हमको ये वाली जो है वो टाइप, हमें जो प्रिंसिपल का टाइप है वो समझ में नहीं आया। वैसे तो मैंने सारे के सारे सातों पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो मैं होप करता हूँ कि आप जो है मुझे कमेंट्स के माध्यम से बिल्कुल बताएंगे। और एक मैं चीज़ आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी भी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने लाइक नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छी एजुकेशन मिल सके, आप अपने घर बैठे भी अच्छी एजुकेशन पा पाए और आप सबसे आगे निकल जाए और बहुत बड़े इंसान बने, ठीक है। मेहनत करते रहने, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे तभी आप बढ़ेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी, जब भी आप पढ़ेंगे तभी आप बढ़ेंगे, ठीक है, इस बात को नहीं भूलने जाना है।
आपको जितनी भी मस्ती करनी है आप मस्ती करिए, लेकिन आप एंड में पढ़ाई जरूर करिए, क्योंकि पढ़ाई बिना कुछ नहीं है। सर हम तो धंधा कर लेंगे, बेटा धंधे करने के लिए भी आज के टाइम पे अकल चाहिए, नकल करने के लिए भी आपको अकल चाहिए, समझ गए आप। तो बस पढ़ाई करते रहिए, अच्छा खाता पीते रहिए और माँ बाप की सेवा करते रहिए, बस। बाय बाय एंड टेक केयर।